दोस्तों आज के इस वीडियो में कॉरल ड्रॉ के माध्यम से नया और कुछ सीख लेते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए तभी आप लोगों को पूरा समझ में आ जाना है। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज का जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ उसका सिंपल मैं बता देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहे। दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक, यानी कि आज का लोगो, इसको किस प्रकार से बनाना है इसका सारा स्टेप इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए हम वीडियो में आगे बात करते हैं। दोस्तों मैंने नया पेज ले लिया और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेनू बार में जाऊंगा और व्यू में क्लिक करूंगा और पेज से पेज बॉर्डर को यहां पर मैं सेट कर लेता हूं। टूल बॉक्स में जाऊंगा और इलिप्स टूल को सिलेक्ट करूंगा और यहां पर बड़ा सा सर्कल बना लेता हूँ पिक टूल, और इसका साइज को यहाँ से मैं डाल देता हूँ 200x200। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने इंटर प्रेस कर लिया और पी प्रेस करूंगा मिडिल में लाने के लिए, और कीबोर्ड पर से राइट साइड में जो बगल में बड़ा सा सिंबल है राइट साइड में उसको एक बार प्रेस करूंगा उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए। इसका साइज यहां पर देने वाला हूं 150x150 और इंटर प्रेस करूंगा, और डुप्लीकेट बनाने के लिए दो बार कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। इस तरीके से ये बन जाना है। बाहर क्लिक डिसलेक्ट और टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूंगा और इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना लेता हूं पिक टूल, और इसका साइज मैं दे रहा हूं यहां पर 75x43.5 और इंटर प्रेस करूंगा इस तरीके से। उसके बाद यहां पर इस कोना में पकड़ करके इस तरीके से ड्रैग करना है और यहां पर आपको मिल जाना है क्वाड्रेंट, यहाँ पर डाल देना है इस तरीके से। बाहर क्लिक डिसलेक्ट और थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके आपको दिखाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सेट हुआ है या नहीं। और पिक टूल बाहर क्लिक डिसलेक्ट और टूल बॉक्स में से टू पॉइंट लाइन टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से आप एक लाइन इस तरीके से ड्रैग करना है और यहाँ पर मिला देना है इस तरीके से, और इधर से भी एक लाइन इस प्रकार से ड्रैग करना है और यहाँ पर मिला देना है इस तरीके से। हैंड टूल के लिए एक प्रेस करेंगे और इस तरीके से हम नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, और पिक टूल और टूल बॉक्स में से टू पॉइंट लाइन टूल को फिर से सिलेक्ट करूंगा, और ये टॉप लेवल में देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वाड्रेंट, एक बार क्लिक करूंगा और कंट्रोल के साथ में इस तरीके से ये वाला लाइन में मैंने मिला देना है पिक टूल और सेलेक्ट रहते हुए, और एक बार इसमें क्लिक करूंगा ये वाला सर्कल आपको मिल जाना है, इसको उठा करके यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर 20 डिग्री का एंगल डाल देना है और इंटर प्रेस करना है इस तरीके से। लगभग हो गया। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, कंट्रोल ए करना है सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल जी करना है ग्रुप करने के लिए। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, हैंड टूल के लिए एच प्रेस करूंगा और थोड़ा सा हम इस तरह से ऊपर की ओर लेके जाते हैं। टूल बॉक्स में से सेव टूल से नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, इस पे मैं क्लिक करूंगा और सेलेक्ट करूंगा और ए वाले भाग को मैं यानी कि लाइन को डिलीट कर देता हूं इस तरीके से। पिक टूल बाहर क्लिक डिसलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से टूल बॉक्स में जाना है और सबसे नीचे यहां से मैं स्मार्ट फिल टूल को सेलेक्ट करूंगा और यहां पर डिफॉल्ट कलर डाल देता हूँ। पिक टूल बाहर क्लिक डिसलेक्ट और ये वाला भाग में डबल क्लिक करूंगा, इस वाले सर्कल को यहाँ पर मैं सेंटर में डाल देता हूँ इस तरीके से। बाहर क्लिक और कोई भी एक लाइन में क्लिक करूंगा सेलेक्ट आने के लिए, और कीबोर्ड में से डिलीट की प्रेस करूंगा डिलीट हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं इस तरीके से। कंट्रोल ए करूंगा पूरा सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ से आउटलाइन विड्थ में मैं जाऊंगा और यहाँ से नन करूंगा, तो यहाँ का जो इसका जो आउटलाइन है वो रिमूव हो चुका है। बाहर क्लिक डिसलेक्ट और टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल को फिर से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर दो छोटा छोटा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। एक में फिल करूंगा रेड कलर और दूसरा में फिल करूंगा येलो कलर। पिक टूल टूल बॉक्स में से फिर से जाना है, अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्लेंड टूल, और यहाँ से इस तरीके से इसको ड्रैग करूंगा इस तरीके से बन जाना है, और यहाँ से कॉपीज वन कर लूंगा और इंटर करूंगा इस तरीके से एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाना है। पिक टूल बाहर क्लिक डिसलेक्ट और ये वाले भाग को मैं सेलेक्ट करूंगा और इंटरक्टिव फिल टूल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करना है इस तरीके से सेट कर लेना है यहाँ पर, और बीच में दो बार क्लिक करूंगा एक नोट बनाने के लिए और थोड़ा सा ऊपर की ओर धसका देता हूँ। अब आपन क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से इस तरीके से कलर ऑप्शन आ जाएगा, ये कलर आईड्रो पर क्लिक करना है और यहाँ से रेड कलर डाल देता हूँ, हटा देता हूँ इसको, फिर यहाँ भी वैसे ही करने वाला हूँ इस तरीके से।
और ये मिडिल वाले कलर डाल देता हूँ और ये लास्ट वाले। इस तरीके से यहाँ से मैं कलर आईडी ऊपर सेलेक्ट किया और ये लास्ट में येलो कलर डाल देता हूँ। इस तरीके से बाहर क्लिक सेलेक्ट हो जाएगा पिक टूल, और ये वाले भाग को मैं सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से डिलीट करूँगा क्योंकि काम खत्म हो चुका है। अब मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूँगा और ऑल्ट एफ सेवन प्रेस करूँगा। ट्रांसफार्म को ओपन करने के लिए मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो यहाँ से मैं ओपन करूँगा और यहाँ रोटेट वाले ऑप्शन में एंगल में देखिए 120 है, 0-0 रहे तो आप 120 डाल देना और कॉपीज में 2 और अप्लाई करना है। इस तरीके से बन जाना है। फिलहाल मैं ट्रांसफार्म को यहाँ से हटा देता हूँ। बाहर के लिए डिसलेक्ट कंट्रोल ए सेलेक्ट कंट्रोल जी ग्रुप, पी प्रेस करना है मिडिल में लाने के लिए। बाहर के लिए डिसलेक्ट और टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल को डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पर इसका साइज में एक रेक्टेंगल बन जाना है। इसमें ब्लैक कलर यहाँ से मैं डाल देता हूँ। यहाँ से इसका आउटलाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद पीक टूल ट्रांसपेरेंसी टूल को मैं टूल बॉक्स में से सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से, और टेक्चर ट्रांसपेरेंसी में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से रेडीमेड वाला पैटर्न कुछ ले लेता हूँ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा हम छोटा बड़ा करके देखते हैं कैसा होता है। मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक है। बाहर के लिए डिसलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पिक टूल ये वाला भाग को मैं सेलेक्ट करूंगा यानी कि बैकग्राउंड को, और शेप टूल क्लिक करूंगा। उसके बाद थोड़ा सा इसका कॉर्नर को मैं राउंड कर देता हूँ इस तरीके से, लगभग हो गया। पिक टूल बाहर के लिए डिसलेक्ट हो जाएगा और फिलहाल मैं मेनू बार में जाऊँगा और यहाँ से व्यू में और पेज बॉर्डर को यहाँ से मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो इस तरीके से बन गया। ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा माउस की सहायता से मैं इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, लगभग ठीक है। बाहर के लिए डिसेलेक्ट, मैं इसको एक बार बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए F9 प्रेस करूँगा तो इस तरीके से ये दिखाई देगा दोस्तों। चलिए मैंने छोटा कर दिया, तो यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल दोस्तों। ये वीडियो आप सब लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरा आने वाला वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं डालते रहता हूँ। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आने वाले वीडियो में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।